हेलो फ्रेंड्स, वेलकम चैनल। आज हम जानेंगे कि व्हाट्सएप में कॉपीड मैसेज को आप कैसे डिलीट कर सकते हैं। फ्रेंड, तो आपको लास्ट तक का वीडियो देखना है। इसमें हम जानेंगे कि व्हाट्सएप में जो हमारा कॉपीड मैसेज हो जाता है, फ्रेंड्स, हम कोई हमको सामने वाला मैसेज भेजता है या हम अपने ही कॉपी मैसेज कर लेते, फ्रेंड्स, को क्लिक करके दबा देते और बाद में हम पेस्ट करने जाते दोस्तों, हमारा वही बार बार पेस्ट होता है जो कॉपी किए हैं, तो इसको आप कैसा कैंसिल कर सकते हैं। चलिए व्हाट्सएप में चले जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। देखो, पहले चैट है, इसके अंदर आपको जाके मैं शो करता हूँ। फ्रेंड्स, थोड़ा पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद कॉपी करके आपको दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, बार बार हमारा ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको कैसा सॉल्व कर सकते हो। फ्रेंड्स, देखिए, अब मैंने लिख लिया, इसको थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, और इसको और भी ऐसा लिख के कॉपी कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, इसका अलग अलग कॉपी मैसेज दोस्तों आपका सेव होते रहता है, इसके लिए मैं आपको ये सब दिखा रहा हूँ। तो हमने जितने भी फॉर्मेट अभी लिखे हैं, फ्रेंड्स, अब सबका सब सेफ हो गया दोस्तों। बाद में ही कॉपीड मैसेज आपके बार बार दिखते रहते हैं। फ्रेंड्स, तो अब इसको आपको डिलीट कैसा करने का, फ्रेंड्स, तो चलिए हम इसको क्लिक करके रखना है। जिधर मैसेज लिखे फ्रेंड, उधर आपको प्रेस करके रखने का है। जैसे आप प्रेस करोगे दोस्तों, आपको एक ऑप्शन खुलता है। देखिए, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। अभी हमने तीन को दोस्तों क्या किए, कॉपी किया, वो के सारे जो आपने कॉपी किए अभी, वो आपको इसके अंदर मिल जाएंगे दोस्तों। तो इसको आप जितने भी किधर से भी कॉपी करते हो फ्रेंड, तो आपको यहाँ ही मिलेगा। सिर्फ आपको आप क्या करने का, फ्रेंड्स, आपको क्लिक कर लेने का है। तो आपको प्रेस करके 1 से 2 सेकंड इसको रखने का है। उसके बाद आपको ऊपर मैसेज के क्लिपबोर्ड का ऑप्शन देखिए, ऐसा शो होता है, क्लिपबोर्ड लिखा है, उस पर आपको क्लिक करने का है। तो यहाँ देखिए, हमने जो भी मैसेज कॉपी किया था फ्रेंड्स, ये सब शो हो रहा है। आप चाहिए तो ये सब कॉपीड मैसेज को लॉक भी कर सकते हो। तो मैं एक लॉक को डिलीट करके दिखाता हूँ दोस्तों। मैंने इधर लॉक करके रखा था, तो ये जो लॉक रहता है फ्रेंड, जो आपको डिलीट नहीं करना है, उसको आप लॉक कर सकते हैं। और जिसको आपको डिलीट करना है, उसको लॉक मत कीजिए, इसको डायरेक्ट डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ आपको सबसे ऊपर लास्ट की बड़ी डिलीट की बटन दिख रही है सबसे ऊपर दोस्तों, वो दबाओगे तो आपका पूरा का पूरा डिलीट हो जाएगा। आप चाहिए तो एक एक करके इसको क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हो। तो अनलॉक कर लेते हैं और इसको भी डिलीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, कभी आपको अनलॉक वाला करना रहेगा तो फ्रेंड्स, आप ऐसा करके कर सकते हो डिलीट। तो आप चाहिए तो एक साथ पूरा मैसेज पूरा डिलीट कर दीजिए अपने व्हाट्सएप के क्लिपबोर्ड में से। आप चाहिए तो फ्रेंड्स, एक एक करके डिलीट कीजिए। देखिए, मैं इधर कुछ भी लिखता हूँ दोस्तों, उसके बाद मैं इसको कल वो करता हूँ, कॉपी करता हूँ दोस्तों, हमारे सब कीबोर्ड में सेफ हो जाता है। तो ऐसा करके आप दोस्तों, आप समझ गए होंगे, सेलेक्ट ऑल करके आप कर लेते हो दोस्तों कभी कभार, तो आपका किधर जाता है जितना भी कॉपी। देखिए, मैं कॉपी करूँगा तो क्लिपबोर्ड में हमारा ये सेव हो जाता है, हमारा जितना भी हिस्ट्री रहता है सब क्लिपबोर्ड में सेव होते रहता है। इसके लिए आपको ऐसा नहीं करना है, और आपको डिलीट करना तो मैंने बताया, वैसे आप जाकर डिलीट कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल दोस्तों।